हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, तो लोकतंत्र के इस पर्व में आज जनता के साथ साथ सियासी धुरंधरों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बीजेपी फिर से सरकार बनाने की उम्मीद जो है वो लगाई बैठी है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की और अपनी साख बचाने की कोशिश में है। तो आपको आइए सुनवाते हैं कि आपको वोट करने आए सियासी दिग्गजों और जनता का आखिर क्या कुछ कहना आज के मतदान को लेकर। आज के दिन वोट डालने का समय आ गया है और 5 साल से जो हरियाणा के लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब फिर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने का समय है। और मेरा लोगों से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वो वोट डालें और झूठ पर सच्चाई की जीत करने में अपना योगदान दें। ऐसे एक एक वोट जुड़कर राज बनता है, मैं ये मानता हूँ आज एक एक वोट जुड़कर, चाहे उसके अंदर अशोक तंवर जी जिन्होंने बड़े भाई के तौर पर मेरे साथ आखिरी 6 दिन कैंपेन किया, या फिर एक एक वो व्यक्ति जिसने इस पूरे बूते के साथ इस प्रदेश को नई दिशा देने के लिए खड़े होकर पोलिंग बूथ तक जाए। इस बार जो है चुनाव कैसा तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि तरक्की की जीत होगी, विकास की जीत होगी, गुंडा राज का खात्मा होगा, अपराध का खात्मा होगा और आप ये पाएंगे कि प्रगति और विकास की ओर न केवल हरियाणा पर विशेष तौर से कैथल बढ़ता जाएगा। ये सब तरह से यहाँ पर जो मतदान के प्रबंध हैं और मेरे गांव डांगरा में जिस प्रकार से सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करते हैं और सब मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई भी चुनाव हो मेरे गांव में होता है, तो आज मैंने अपने बूथ से यहां अपना वोट डाला है और बड़े उत्साह के साथ आज सब लोग यहां लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें वोट डालने के लिए आए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का ये एक महान पर्व है और इस पर्व में भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से शामिल हुई। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं। हमारा सबका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारे मत का उपयोग करें। आप सब लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र पर आकर आपके मतदान का जो अधिकार है उसका कर्तव्य निभाइए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। प्रतिनिधियों को चुनना ये मतदाता का काम है और इसलिए उसका वो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, इसलिए हम लोग कहते हैं 100% मतदान करो, मुद्दों पर मतदान करो, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इसलिए हर चुनाव व्यक्ति वगैरह न देखते हुए, माहौल न देखते हुए, अपना कर्तव्य इस नाते हर मतदाता के लिए अहम ही होता है, होना चाहिए। सरकार में मानता हूँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार और हथियार के साथ में एक बहुत बड़ी हमें ढाल भी है। अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनना है, अपने विचारों की सरकार को चुनना है और इसलिए हमें वोट करना चाहिए। मैं सारी जनता से, मतदाताओं से विनती करता हूँ कि आप वोटिंग करें, अपना कर्तव्य का पालन करें, पूरी संख्या में 100% यहाँ का वोटिंग करने का पूरा प्रयत्न करें। वोटिंग करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। भारत के संविधान यदि रक्षा करनी है, हर एक अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। मतदान ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और हर एक ने वो निभाना चाहिए। और यहाँ जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी काम चल रहा है वो पूरी जोर से और लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए चल रहा है। इसलिए बारिश होने के बावजूद भी लोगों को, मैं पुणे शहर की महापौर होने के नाते अपील करती हूँ कि आप मतदान कीजिए।